क्या हमें स्क्वाट्स करते टाइम हमारे नीज को लॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है या जिम ट्रेनर्स को ऐसा लगता है कि अगर हम नीज को लॉक करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे लिगामेंट में इशू हो सकता है, हमारे पटेला बोन में इशू हो सकता है, या हमारे नी जॉइंट में इशू हो सकता है, या फिर इंजरी हो सकती है। तो क्या ये सही है या नहीं? तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे मेट्रो हैं, जो हमारी मेट्रो है वो कैसे स्टेबल है? उसके नीचे जो पिलर है वो स्ट्रेट है। अगर ये पिलर स्ट्रेट ना होकर अगर ये बेंड होते तो क्या हमारी मेट्रो खड़ी हो पाती स्ट्रेट? अगर जो हमारे पिलर्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते तो क्या हमारी मेट्रो ऊपर स्ट्रेट स्टेबल चल पाती? नहीं चल पाती, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पिलर्स हैं वो ऊपर मेट्रो को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो सेम जब हम स्क्वाट्स की बात करते हैं तो जो हमारा हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। जैसे ये हमारा हिप जॉइंट है, इसी के स्ट्रेट में हमारा नी जॉइंट है और इसी के स्ट्रेट में हमारा एंकल जॉइंट है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो एक पिलर का काम करते हैं और हमारी बॉडी को स्टेबल करते हैं। अगर जो हमारा नी जॉइंट है उसको हम लूज छोड़ते हैं, अगर नी जॉइंट को हम लूज रखते हैं, उसको हल्का सा बेंड करा के रखते हैं, तो जो यहाँ पे आएगा और ये जो पिलर बनेगा ऐसा बनेगा, ये हमारा नी जॉइंट है। तो पैर हमारे ऐसे रहेंगे, क्या अब हमें स्टेबिलिटी मिलेगी? जो लाइन ऐसी होनी चाहिए थी वो ऐसी हो गई, हमें स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और जो वेट है वेट गिर सकता है, कब? जब हम उसको स्ट्रेट लेग खड़े होते हैं और जब ब्रीथ आउट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन फ्लेक्शन में आ सकती है। और उसको अगर स्टेबल रखना है, उसको हमारी पूरी बॉडी को स्टेबल रखना है तो और इंजरी से बचना है, वेट अगर हमारा आगे की साइड ना गिरे या पीछे की साइड ना गिरे उससे बचना है, तो हमें इस नी जॉइंट को आगे ना ले जाके उसको स्ट्रेट लेके आना है, जिससे कि पूरा जो पैर है हमारा स्ट्रेट रहेगा। अगर उसको हम सॉफ्ट रखेंगे, अगर मैं ऐसे रखूँगा अपने पैर को तो क्या होगा, जैसे ही मैं रिलैक्स करूँगा अपने मसल को रिलैक्स रखूँगा तो वो गिर सकता है, वेट गिर सकता है। ये तो है इंजरी कि अगर हम नीज को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, अगर हम अपने नीज को सॉफ्ट रखेंगे तो वेट हमारा आगे की तरफ या पीछे की तरफ गिर सकता है। जब हम अपने मसल को रिलैक्स करते हैं उस टाइम पे वेट गिर सकता है और हमें इंजरी दे सकती है। इसके अलावा जब हम फंक्शनैलिटी की बात करते हैं, फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो क्या हम कभी ऐसे खड़े होते हैं, नीज को बैंड करके खड़े होते हैं या नीज को बैंड करके चलते हैं? नहीं, हम जब भी खड़े होंगे अपने नीज को लॉक रखते हैं, हम ऐसे कभी भी खड़े नहीं होते, हम नीज को लॉक रखते स्ट्रेट रखते हैं। हमारा हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट तीनों के तीनों जॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं, जिससे कि वो पिलर का काम करते हैं और हमारी बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर फंक्शनैलिटी की भी बात करें और इंजरी की भी बात करें तो बेस्ट पोजिशन क्या होनी चाहिए कि जब हम हमारे हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को एक ही लाइन में रखेंगे। और ये क्यों बोलते हैं ट्रेनर्स कि आपको नीज को सॉफ्ट रखना है? क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये जो बोला जाता है कि नी सॉफ्ट किन के लिए रखना है, जिनके जो नी जॉइंट है हाइपर एक्सटेंडेड है, उनके जॉइंट्स कुछ इस तरीके के होते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन है उसका जो पैर होते वो ऐसे होते स्ट्रेट होते, ये तीनों जॉइंट एक लाइन में होते हैं। बट हाइपर एक्सटेंडेड में क्या होता है, हिप जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, उनके जो पैर होते हैं वो स्ट्रेट होते ही नहीं है, उनके पैर हाइपर एक्सटेंडेड होते हैं, नीज उनके पीछे की तरफ होते हैं। तो उन लोगों के लिए बोलते हैं कि आपको अपने पैरों को सॉफ्ट रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम ऊपर से वेट डालेंगे तो ये टूट सकते हैं, यहाँ पे इंजरी हो सकती है, क्योंकि ऊपर है 100 kg, आप 100 kg को लेके लिफ्ट कर रहे हो, खड़े हो रहे हो, और वहां पे अगर आप अपने नीज को लॉक करोगे तो क्या होगा, एंकल एंड हिप
बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है तो हमारी पटेला बोन या लिगामेंट वहां पे कोई भी इंजरी हो सकती है। तो जो स्पेशल पॉपुलेशन वाले क्लाइंट्स है, मतलब कि जिनके जो नी जॉइंट है हाइपर एक्सटेंडेड है, उन लोगों को बोला जाता है कि उनको अपने नीज को सॉफ्ट रखना है, क्योंकि अगर वे अपने नीज को लॉक करते तो कैसी शेप आएगी, ऐसी शेप आएगी। हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, और सपोर्ट नहीं होगा तो नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वहां पे इंजरी हो सकती है। और अगर यही लोग जिनके जो नी जॉइंट है हाइपर एक्सटेंडेड में नहीं है, वे अगर अपने नी को सॉफ्ट रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो उनका, ये है उनका एक नॉर्मल न्यूट्रल जॉइंट, अगर यहाँ पे भी नी को लॉक करेंगे तो ऐसा आएगा, अगर वे यहाँ पे नी को सॉफ्ट रखेंगे तो तीनों जॉइंट उनके एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, जो कि आपको इंजरी नहीं देगा। बट वे लोग हाइपर एक्सटेंडेड नी जॉइंट वाले लोग अगर स्ट्रेट करते हैं तो उनकी नी में इश्यू हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, क्या हमें स्क्वाट्स करते टाइम पे नीज को लॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नीज को सॉफ्ट करने की जो बात आती है वो उन लोगों के लिए आती है जिनके जो नी है, नी जॉइंट है, वो हाइपर एक्सटेंडेड है, जो स्पेशल पॉपुलेशन की कैटेगरी में आते हैं। बट अगर आपके जो नी है वो एकदम कंप्लीटली फिट है, स्ट्रेट लाइन में ही आते हैं, तो आपको नीज को लॉक करना चाहिए, क्योंकि नीज को अगर आप सॉफ्ट रखोगे तो वो आपके पिलर नहीं बनेगा, आपके हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होगा, तो प्रेशर आपके नी जॉइंट के ऊपर आएगा और आपको इंजरी दे सकता है। और सेम जब अगर आपका हाइपर एक्सटेंडेड जॉइंट है तो वहां पे भी आपको नी को लॉक नहीं करना, क्योंकि सेम हिप जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं होता है, तो प्रेशर आपके नी जॉइंट के ऊपर आता है। तो दोनों ही केस अलग अलग है, अगर आप फिट हो, आपके जॉइंट में कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, तो आपको नीज को लॉक करना है, बट अगर आपके जॉइंट में डिफॉर्मिटी है तो आपको नी को सॉफ्ट रखना है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और फॉर मोर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन टिप्स यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल कोच हिमांशु।